जय सीएलसी। हिसार की धरती पर शिक्षा की ज्योत जलाने वाले सीएलसी बॉस सरवण कुमार जी और सुनील चौहान जी, जिनकी मेहनत और लगन से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से मेरा बच्चा आज गोरखपुर एम्स में क्या बात है सेलेक्ट हुआ। इन्हीं की मेहरबानी है। मेरे को कैसे पता चला? मैंने YouTube पे देखा। क्यों देखा? क्योंकि मेरे बच्चे के 2020 में जो एग्जाम दिया था नीट का, उसमें 574 मार्क्स आए थे। मुझे पता लग गया कि 570 में तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो मैंने खोज की, YouTube पे गया, मुखर्जी नगर गया, हिसार के इंस्टीट्यूट में गया। और हिसार के इंस्टीट्यूट सभी जानते हैं, यहाँ एलन का इंस्टीट्यूट भी है, आकाश का इंस्टीट्यूट भी है। मैं खुद टीचर हूँ। मैंने वहाँ की यहाँ की क्वालिटी देखी, लेकिन यहाँ की क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैं YouTube से देखा सरवण कुमार जी पढ़ाते हुए, क्या गजब का तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका। चुटकियों में इतने कठिन सवाल चुटकियों में निकालते हुए मैंने इनको देखा और मैंने एकदम से डिसीजन ले लिया कि मैं अपने बच्चे को सीएलसी में ले जाऊं। और आज मेरा बच्चा एम्स गोरखपुर में सिलेक्ट हुआ है। और मैंने भी रन किया है स्कूल, 15 साल रन किया है। अब गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। और टीचर तो देखो, आप भली भांति समझते हैं कि टीचर सेलेक्ट करता है तो बहुत बढ़िया सोच समझ के इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता है। कोई संकोच करने की जरा सी भी, यानी कि मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि कैसा माहौल है कैसा नहीं है। सर ने बताया है कि हरियाणा और राजस्थान का खान पान एक जैसा है। मेरा बच्चा वहाँ हॉस्टल में रहा है, बी बिल्डिंग में रहा है और चयन पंचाल के साथ रहा है। चैन पंचाल वो बेटा जो एम्स दिल्ली में है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे बच्चे को मैं घर पे ले आया और 4-5 महीने में मेरे बेटे ने घर पे ऑनलाइन क्लास ली और इसी वजह से वो पीछे रह गया थोड़ा सा। 660 नंबर उसके आए, फिर भी अच्छे नंबर लिए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहां होता 4 महीने, मैं गर्व से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे के भी नंबर 700 पार थे। लेकिन घर तो भाई घर ही होता है, घर पढ़ाई होती तो कौन सीएलसी में जाता। तो इसलिए वहाँ माहौल है। और जैसे सर जी ने दिखाया था यहाँ पे, वहाँ की एक खासियत है, बच्चा 8 बजे खाना खा करके सीएलसी के रूम में चला जाता है, उसको बोलते हैं कैंप। और वो कैंप जो है बच्चे में मेहनत की आदत डाल देता है, उसकी सीटिंग बनाता है और बच्चा बच्चे को देख करके पढ़ता है, मेहनत करता है। कहता है नहीं, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बनता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे, यानी कि इसमें तो कोई संकोच करने की जरूरत ही नहीं है। वे उससे पूछो हरियाणा के, खासकर अपने हरियाणा के जो लोग हैं नहीं, वो पूछते हैं भाई कैसा है तेरा बच्चा गया था, वो पूछेगा भाई कैसी पढ़ाई है, ये है वो है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुद टीचर हूँ, मैंने बच्चे को वहाँ छोड़ा है तो मेरा बच्चा तो कामयाब हो ही गया है। और इतनी अच्छी, यानी कि वहाँ पे फैसिलिटीज है और इतने अच्छे लेक्चरर है, तो कहते हैं नहीं जादू, जैसे जादूगर जादू दिखाता है, यानी कि सभी इंटरेस्ट लेते हैं उसमें जादू देखने में। इसी प्रकार से सब्जेक्ट में भी बच्चे इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। तो इसलिए जो है, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बेझिझक होकर के बिना किसी से पूछे सीएलसी चले जाओ। धन्यवाद। अपना नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ लाइव में। मेरा नाम विजेंद्र नैन है,
मैं उकलाना मंडी रहता हूँ और मेरे बच्चे का नाम है राहुल। तो आप ये मानते हो कि बच्चा घर पे आने से नुकसान हुआ? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ये मैं वही कह रहा था, घर पे बच्चा साहब सुविधा ले सकता है, माहौल। आपका बेटे का रूममेट चैन पंचाल था, वो हॉस्टल में रहा, 700 पे आ गया। आपका बच्चा 660 बहुत होते हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ यदि घर छोरे को नहीं लेके आते तो मेरा एक छोरा एम्स में होता। आपने मेरा नुकसान एम्स दिल्ली एक नुकसान कर दिया मेरा। सुरान जी खड़े हैं, इन्होंने बोला भी था कि आप बच्चे का नुकसान करोगे, घर पे मत ले जाओ। ये आपके सामने गार्जियंस कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ बेटा, ये इसलिए फंक्शन करते, इसलिए मैं खुद आता हूँ कि मुझे पता है आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। बी बिल्डिंग वो हॉस्टल है हमारा, जहाँ 100 बच्चे रहते हैं, 90 सिलेक्शन होते हैं वहां से। तो ऐसा नहीं सारे बच्चे होशियार होते हैं, एक माहौल बन जाता है। थैंक यू नैना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आए ब्रदर, आपको माइक दें।